ओके सो जैसे मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको जो है अपना इनरोलमेंट स्टेटस चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर आईसीएसआई की ओर से कोई अनाउंसमेंट आता है, कोई अपडेट आता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो इस वीडियो में हम जो है उसी अनाउंसमेंट अपडेट के रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपने अपना एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में देना है या फिर आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, सो उसका जो स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इंस्टीट्यूट की ओर से बेसिकली दिसंबर 2022 के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इनरोलमेंट स्टेटस, जिसका जो है जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस, ठीक है। तो अगर आपको वो चेक करना है तो इंस्टीट्यूट ने जो है वो ऑप्शन जो है ओपन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जो है स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस। इसके बारे में भी चेक करेंगे कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। अब स्किप मत करिएगा क्योंकि आपका ही लॉस होगा। मैं जो छोटी से छोटी जानकारी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या चेक करना है, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये बस जो है ये इंश्योर करता है कि आपके जो डिटेल्स हैं वो आपने फिल किया है या नहीं किया है। अगर कोई भी गलती आपने किया है तो उसको आप सुधार सकते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको आपको दिया है, ठीक है। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको जो है वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिंक भी जो है आपको दे दूंगा। यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ठीक है। और कैप्चा जो है जो आपको यहाँ पे दिया गया है इसको करेक्टली फिल करना है, ठीक है। अगर आप फोन से नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप पीसी से ट्राई करिएगा, फोन से भी हो जाएगा। फोन के क्रोम में डेस्कटॉप मोड्स ऑप्शन रहता है, तो वहां से जाकर आप ऐसा डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, वहां से भी जो है आप डाउनलोड करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन शो करेगा, ऐसा ऐसा विंडो जो है आपको ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। इस विंडो जो है तभी शो करेगा अगर आपका जो पॉपअप है वो इनेबल है। मैंने अभी जो है टेलीग्राम चैनल जो आईसीएसआई लाइव अपडेट हमारा चैनल है उसमें मैंने बताया था कि आपको जो पॉपअप है वो इनेबल कैसे करना है। अगर जो है आपने एक्सेस नहीं दिया है तो आप इनेबल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है रेड कलर का ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपको, यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेड क्रॉस का शो करेगा, उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नहीं है तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी जो है जितने भी ब्राउजर मैक्सिमम ब्राउजर जितने भी हैं उनको जो है मैंने जो स्टेप है वो दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको जो है विंडो ओपन शो हो जाएगी। यहाँ पे जो फाइल देख रहे हैं प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस के पीडीएफ का, ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जो है आप अपने डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बच्चे हैं इन्होंने जो है अपना जो दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2022 की ही बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉस साइन है इसका जो है ये ऑफिशियली है, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। मैं इसका ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ कि ये आपके लिए नहीं, ये ऑफिशियल के है और ये बेसिकली हॉल टिकट नहीं है या फिर एडमिट कार्ड नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर क्रॉस साइन आ रहा है तो रहने दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव सिलेबस 2017 है, मॉड्यूल बेसिकली सेकंड मतलब दूसरा मॉड्यूल ये देने वाले हैं। इनका एड्रेस जो है आपका एड्रेस भी यहाँ पर शो करेगा, कौन सा मीडियम में आप अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं शो करेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शन सब्जेक्ट जो है आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम में है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी पेपर आपके एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको फोटो देखने के लिए मिलेगा और सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे इस बच्चे का जो है मैं चेक कर पा रहा हूँ कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने जो है अपना डिटेल सब कुछ सही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गलती से कुछ गलत हो गया है तो वो बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी जो डेट है उस पर्टिकुलर डेट तक आप जो है चेंज कर सकते हैं, मीडियम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल अगर आपको इंटरचेंज करना है वो कर सकते हैं। एड आप जो है केवल 10th ऑफ अक्टूबर तक कर पाएंगे, उसके बाद जो है आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को, वो वीडियो भी आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो है डेट पता चल जाए कब तक करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी एक डेट के लिए जो है आपको, किसी भी एक चेंजेस के लिए जो है आपको ₹250 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जो फोटो एंड सिग्नेचर है मे बी यहाँ पे अपडेट ना हो, तो वो बेसिकली जो है अपनी जो स्मैश पोर्टल की साइट से जा करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको कंप्लेंट रेज करनी होती है, अभी जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है, तो आपको जो है वहां पर कंप्लेंट रेज करनी है, वहां पर बताना है, आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा, वो सब कुछ आपको कंप्लेंट में लिखना है, और जो है आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
अब बेसिकली बात करते हैं कि आपको जो है अपना जो प्रीलिमिनरी एनरोलमेंट स्टेटस है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर जो लिंक मैंने दिया है वहां पर जाए डायरेक्टली जाकर जो है आप ले सकते हैं, या फिर आप स्मैश पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो ब्लॉग है, इस नाम से ब्लॉग है, ठीक है, द राजपिक्स करके PZ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप एंटर करेंगे तो डायरेक्टली जो है हमारा पेज जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो है मैंने ये अपडेट किया है तो पहले पेज पे ही शो करेगा, बाकी अगर आप लेट पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि नीचे चले जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, मोर पोस्ट पे जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, मोर पोस्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने जो है प्रिलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक किया, यहीं पे जो है आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, इनरोलमेंट एग्जामिनेशन इनरोलमेंट स्टेटस दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इस पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा, नया पेज जो विंडो है वो ओपन होने के बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है अपना मॉड्यूल ऐड करना है, मतलब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है कोई भी एक मॉड्यूल के लिए, आप चाहते हैं कि आप दोबारा एक और मॉड्यूल जो है आप ऐड करें, ठीक है। सो वो आप कर सकते हैं 26 अगस्त लेकर 25 सितंबर तक, ठीक है। अगर उसमें भी आप लेट हो जाते हैं सो 10 अक्टूबर तक करते हैं तो लेट पेमेंट के साथ आप करते हैं, ठीक है। तो इनकेस जो है अगर ये कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपको अपना मॉडल जो है अब ऐड करना है, ठीक है। सो अगर इस पर्टिकुलर डेट के बीच में करते हैं, ठीक है, सो आपको जो है 250 रुपीज नॉर्मल चार्ज है प्लस लेट पेमेंट 250 रुपीज, 500 रुपीज में जो है आपका मॉडल ऐड होगा। तो प्रॉपर डेट्स को ध्यान रखिएगा, अगर आप श्योर हैं कि आप दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं सो इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में ही फिल करें, सो दैट कोई भी लेट पेमेंट आप फिल ना करें, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आपको एग्जामिशन मिलता है, उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा इनके लिंक कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिल सकता है उसके लिए आपको अप्लाई करना है, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, 1000 रुपये की उसकी फीस होती है। अब आपको जो है अपना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, बट इन एनी केस जो है आपको सेंटर चेंज करना है, ठीक है। आपने गलती से जो है सेंटर चेंज किया है, जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसी में ही जो है आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, मीडियम किस मीडियम में जाना चाहते हैं, कि आपको जो अपना एग्जामिनेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है। तो इन सभी की डिटेल्स जो है आपको अपना जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पे शेयर करना है या फिर आपको एडिट करना है, ठीक है। और बेसिकली जो है कैसे आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है ये भी हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम या फिर जो भी आपकी एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर अपना हायर क्वालिफिकेशन बेस पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे बट डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं किए हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से जो है कॉल फॉर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आया है किसमें, हायर क्वालिफिकेशन में, सो ये सभी चेंजेस आप कर सकते हैं 11 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, ठीक है। इनके बीच में ही केवल आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे इन एनी केस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बताया है कि पर फी जो है वो अप्लीकेबल होगी पर चेंज के लिए 250 रुपये, तो कोई भी एक चेंज आप करते हैं तो आपके जो है 250 रुपीज जो है चार्ज होगा, मतलब सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम कोई भी एक चेंजेस करते हैं, ठीक है। दो करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा ऑब्वियसली। इनकेस जो है अगर आप दुबई में अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वहां पर भी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन सेंटर है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एनरोलमेंट ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ऑलरेडी जो है पहले स्टार्टिंग में जो है ऑफलाइन मोड के थ्रू एप्लीकेशन जो है आप सेंड करते थे इंस्टीट्यूट को, बट अभी जो है मतलब काफी टाइम से ऑनलाइन ही है, सो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑफलाइन कोई भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन फीस की और लेट पेमेंट का इसमें जो है दुबई में है, बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है कि जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं आपको प्रॉपरली अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल कितना मॉड्यूल देना चाहते हैं, बाद में जो है आप लेट पेमेंट या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको चेंज ना करें, सो वो ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। जब भी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, सो इंस्टीट्यूट आपको 5 साल का टाइम देता है टू क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। सो वैसे तो जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं अगर वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो जाती है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग डिनोवो। गाइडलाइंस एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी ओर से, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस
मैं उसको जो है यूट्यूब के जो कम्युनिटी टैब है वहां पर डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की, ठीक है, तो प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। इनका जो पीडीएफ है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल है ICSI लाइव अपडेट करके, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की। सो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो वेंसडे से जो है आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग रहेगी आपकी 2 PM से लेकर 5 PM तक, 3 घंटे का जो है आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है 22 तारीख को रहेगा, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, बेसिकली संडे है, सो देयर इज नो एग्जामिनेशन। सो आपके पास जो है थोड़ा टाइम हो जाएगा नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है उसके लिए। ठीक है, देन 26 तारीख को है, 27 तारीख को, 28 और 29 तारीख को। सो OMR जो बेस्ड पेपर हैं उनको जो है लगातार कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 29th of December एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बाकी जो है 30 दिसंबर तक जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम चलेगा। यू नीड टू लॉग इन योर स्मैश पोर्टल, यू वुड एबल टू सी द मॉडल सेक्शन ओवर हियर, देन यू नीड टू क्लिक ऑन द enrollment section, enrollment and then examination enrollment request. Okay, here you will be able to see the latest examination form which you have filled for June 2022. This I have taken from last year 2022, but the process would be same. You need to click on the select option and then click on the apply for enrollment service. Once you click on the apply for enrollment service, the another page would be open, would be pop up. Now in this window you will able to see in the front row, that is enrollment request, addition of module, deletion of module, interchange, and then change your examination center. Okay, so you need to click on that examination center. Okay, so what we have done, you have click on the select option, then apply for the enrollment, and then in the top of upside you will see these option over here, and the last option would be apply for the change. Okay, in case if you would like to change your module, so you can do from here. In above you can see the center, as in the center it says that Lucknow. When you click on the examination center change, so the center option would be pop up. You can change your examination center from here, and then you can proceed. For that you also need to pay some charges, which is 250 rupees. Okay, so you proceed the amount, you proceed the process, then you need to pay some fee and the examination center would be changed. You need to click on the next option, which I have already made the video that how can you fill examination form. At the end you would receive the payment receipt. You need to save for the further use or future use, and then once it's been proceeded successfully, then you can see your examination center has been. अगर आप जो है exempt paper में जो है बैठ जाते हैं या फिर आप exam दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जो है ये पता नहीं होगा। सो exempt paper का मतलब होता है कि आपने जो है लास्ट अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो है 60% बेस्ड पे किसी भी एक पेपर में, किसी भी आइदर फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, किसी भी प्रोग्राम के बच्चे ने जो है किसी भी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन गेन किया है, एग्जम्पशन उनको मिला है, बट गलती से जो है वो अपना एग्जाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है, क्योंकि ये उस टाइम पे होता है जब आप अपना एग्जाम देते हैं, आपका एडमिट कार्ड निकलता है, आपको पता है एग्जाम की जो है बहुत सारी टेंशन होती है, राइट, आपको जो है हर बढ़ाई में जो है मतलब आप जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैठ जाते हैं, एग्जाम आप जो है लिख कर आते हैं और फिर घर में आते हैं, चेक करते हैं अपना एडमिट कार्ड या फिर किसी दोस्त के द्वारा जो है सुनते हैं कि भाई आपका एग्जाम पेपर कौन सा था कि आपने दिया, तो आपको पता चलता है कि यस मैंने जो है वो एग्जाम पेपर दिया है। तो इस केस में होता क्या है भाई, आपका जो एग्जाम पेपर है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, किसी भी पेपर में आपको एग्जम्पशन मिला होगा, अगर उस एग्जाम जो पेपर में आप जो है एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप अपनी आंसर शीट जो है सबमिट कर लेते हैं, तो आपका जो एग्जम्पशन है वो कैंसिल हो जाएगा और उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट में जो मार्क्स आएंगे वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपने अब दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है अपने एग्जाम पेपर को अगर आपने अप्लाई, इवन जो है जो क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जामिशन होते हैं आपने उसके लिए अप्लाई किया है, जो क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जामिशन होता है LLB ICI के बेस पे, ठीक है, तो गलती से भी अगर आपने जो है उस पेपर में भी आप बैठ गए हैं
तो भी जो है आपका जो एग्जम्पशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्टल का जो है कोई भी नहीं है, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दिया है, इसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा कि इसका कोई भी रिवर्टल नहीं हो सकता है आपका एग्जम्पशन। अगर आपने गलती से बैठ गए हैं तो आपका जो मार्क्स होगा वो करंट एग्जाम जो कॉपी आपने दिया है उसके बेस पे आपके मार्क्स आगे जो है कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है नए अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहेगा, टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम से ज्वाइन करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। रेस्ट आल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।